इन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर देखने को मिलेगा इमली और आर्यन के बीच में एक बार फिर से घमासान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि इमली मंदिर पहुँचती है और आर्यन भी वहीं पहुँचता है और आदित्य भी इमली की याद में उसी मंदिर में पहुँच जाता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मालिनी को समझाने की कोशिश करती है रूपाली और कहती है कि तुम जिससे कॉम्पिटिशन कर रही हो ना, वो तुम्हारे से कई लेवल ऊपर है और तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम आदित्य भाई की जिंदगी में वापस आ पाओगी। इमली जब आएगी ना तो ये तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन होगा, और वो उसको चैलेंज कर देती है, चली जाती है और मालिनी को गुस्सा आता है और वो आ रखे नूडल्स को फेंक देती है जो आदित्य खाकर नहीं चाहता इमली की याद में। तो वहीं पर आदित्य और इमली और आर्यन तीनों ही वहीं होते हैं और दिखाया जाता है कि अर्पिता जो कि आर्यन की बहन है वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही होती, लेकिन उनको दीपक से जल डर लग रहा होता है और पंडित जी उसको पहचानते हैं, इसलिए उन दीपक के सामने फूलों की मालाएं रखवा देते हैं। और वो यहाँ पर अपने पति को याद करते हुए, अरविंद को याद करते हुए रोती नजर आती है, और लेकिन वो अपने भाई के लिए प्रार्थना भी करती है कि वो उसे हमेशा के लिए मिस नहीं करना चाहती। वो ना रोता है ना ही हंसता है, वो जैसा कैसा हो गया है उस इंसिडेंट के बाद में, और वो गिल्ट में ही मरे जा रहा है। और यहाँ पर देखने को मिलता है इतनी देर में वहाँ पर आग लग जाती है। तो दूसरी तरफ आर्यन गुस्से में वहाँ पर जल्दीबाजी में ढूंढ रहा होता है अर्पिता को, लेकिन तभी इमली का एक दीपक का थाल लेकर आ रही होती है और उसके दीपक के थाल गिरने वाले होते, लेकिन इमली संभाल लेती है और उसको बहुत बुरी तरह से सुना रही है, जबकि वो तो आर्यन अर्पिता को ही ढूंढ रहा होता है और वो उसका मुँह बांध कर चला जाता है। इमली को गुस्सा आता है कि अब नेक्स्ट टाइम अगर ये मुझे मिला ना तो मैं इसको पेड़ से लटका दूंगी। और देखने को मिलता है कि आर्यन से पहले यहाँ पर देखने को मिलता है आग लगने की वजह से अर्पिता अपने आप को बचा नहीं पा रही होती है और उसको बहुत डर लग रहा होता है, और इमली आग में कूद कर उसे बचाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। और आर्यन भी उसके पीछे पीछे पहुंचता है वहां से लोगों से पूछताछ करके, और आदित्य भी उसका पीछा करते हैं। तो देखने को मिलता है कि अर्पिता सही हो जाती है और इमली उसको हिम्मत बनाती है और दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। तो दूसरी तरफ अपन इमली को याद कर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और वो कहती है कि जल्दी से जल्दी इमली हमारी वापस आ जाए। तो वहीं पर इमली और अर्पिता के बीच में बातें होती है और वो जाते काफी दोनों खुश हो जाती है, और अर्पिता कहती है कि हमेशा तो मेरा भाई मुझ तक मुसीबत पहुंचने से पहले ही खुद पहुंच जाता, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम पहली बार आ गई हो। और वहीं देखने को मिला कि अर्पिता ने एक रिंग दी थी इमली को संभाल कर रखने के लिए, और वो रिंग देखने को मिलता कि आर्यन को दिख जाती है और वो सोचता है कि उसने चोरी की और लूटने का काम करती है ये, और उन दोनों के बीच में फिर झगड़ा हो जाता है और इमली को फिर गुस्सा आता है। और अब अर्पिता ही बताएगी कि इमली ने उसकी जान बचाई तो आर्यन उसे माफी भी मांगेगा। तो दूसरी तरफ अर्पिता ही इमली को वापस अपने घर लेकर आएगी। तो दूसरी तरफ आदित्य भी यहाँ पर पहुंचेगा और इमली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इमली उसके साथ नहीं जाने वाली है।